नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अलायंस ब्लू का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको टिप्स प्रोवाइड करूं कमोडिटीज़ में, स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, तो आप अगर मेरे अंडर अकाउंट खोलते हैं तो मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा। और अगर फ्री ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप फ्री के कॉल्स भी पा सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट, 15 मिनट लग सकते हैं अकाउंट खोलने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये एक लिंक है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये डिटेल्स अपनी डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है, उसके बाद मेल आईडी। जब आप ये डिटेल फिल नहीं करेंगे तो उससे पहले आपको ये डिटेल वहाँ पर दिखाएंगी, और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर डालना है। आप यहाँ पे बेटर है कि आप महाराष्ट्र और नागपुर सेलेक्ट करिए, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी कभी भी तो मैं डायरेक्टली उसको सॉल्व करवा सकूँ। तो उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ दिखाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ नीचे लिखा आएगा, ठीक है। बट इनकी डिटेल्स ऑलरेडी एंटर हो रखी हैं तो ये नहीं दिखाएगा यहाँ पे, मे भी दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड या कुछ भी। तो सिंपली आपको सबमिट करने के बाद में फिर आपको एक दूसरा लिंक मिलेगा, उस पर जाके आपको अपना अकाउंट प्रोसेस करना है, यानी आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब उसके बाद में आप अकाउंट खोल सकते हैं। देखो दिखा रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है ओपन एन अकाउंट पे, और आपको यहाँ से अपना क्लिक हियर टू ओपन अकाउंट करके यहाँ से अकाउंट आगे प्रोसेस करना है। और आपको ये एक प्रॉब्लम दिखा सकती है, और मे बी आपको यहाँ पे कुछ और लिखा आने लगे फ्यूचर में, तो चिंता नहीं करना है, आप सेम साइट पे ही जा रहे हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको जाना होता है एडवांस में, उसके बाद आपको करना होता है प्रोसीड टू दिस लिंक, यानी हम उनके सर्वर पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो मैंने इनकी कुछ डिटेल है, मेरे मित्र हैं जिनका अकाउंट मैं खोलने वाला हूँ, और इनको क्या क्या चाहिए अटैच करने के लिए, इनका आधार कार्ड चाहिए, तो मैंने एक ही जो है उस पे पेंट में जाके इनका फ्रंट और बैक का फ़ोटो एक जगह रख लिया है, आधार का, इनके पैन कार्ड का फ़ोटो रख लिया है, इनका एक फ़ोटो रख लिया है मैंने, पासपोर्ट साइज़, उसके बाद में मैंने, ये इनके सिग्नेचर हैं जो इनके आधार कार्ड पे हैं, एक IPB है। IPB क्या होता है, IPB इस तरह से होता है, जैसे आप आधार के साथ में एक फ़ोटो खींच लो, बैक या फ्रंट के साथ में, बेटर है फ्रंट के साथ खींचो, तो एक IPB कहलाता है, ठीक है। ये भी अटैच करना होता है, और इनकी बैंक स्टेटमेंट, ओके। और हमें क्या चाहिए, बस हमें यही डिटेल चाहिए यहाँ पे, उसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें यहाँ पे डालनी है इनकी ईमेल आईडी, ठीक है। तो मैं इनकी यहाँ से ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे फिल करता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, आपको भी वीडियो बोर ना करे, जल्दी से जल्दी अकाउंट भी ओपन हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगा इनका मोबाइल नंबर, मेरे को हाथ से ही डालना पड़ेगा ऐसे ही, 9481 9481 022 897। उसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ, उसके बाद मांग रहा है इनका पैन नंबर, तो मैंने पैन नंबर भी यहाँ पे लिख के रखा है, मैं उसको भी कॉपी करके डालता हूँ, होप ये इसको भी एक्सेप्ट करे, वरना मेरे को ले लिया। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मैं देख लेता हूँ एक बार, इनकी है 5/10/1988। तो यहाँ पे मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेता हूँ, 10th मंथ, यहाँ पे सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे अक्टूबर 5/10, उसके बाद मैं इसको वैलिडेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मे भी आपको दिखाई कि यू आर नॉट अ KRA वेरीफाइड, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, स्किप करके आप अपना एड्रेस वगैरह वहाँ पे फिल कर देंगे, बट ये KRA वेरीफाइड है तो इनसे ये डिटेल नहीं मांगी है, ठीक है। मे भी आपको अगर मिल जाएगी, स्किप करके पहले डिटेल फिल करो, तो पहले स्किप करके आपको डिटेल डालनी होगी। देखो इनकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गई है, तो मैं इस ड्रिल में कोई भी चेंजेज नहीं करूँगा, और मैं ऐसे यहाँ से
आगे के लिए प्रोसीड करूँगा। और इन पे यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है इनका, तो मेरे पास आधार नंबर भी लिखा हुआ है, तो मैं उसको भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं भरना पड़ेगा, ये भी 5072-6623-0107। उसके बाद में मैं इसको जनरेट ओटीपी करता हूँ। तो इनको एक ये 91 हटाना पड़ेगा, अगर ऑटो यहाँ से ये ले रहा है इसको। तो मैं यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट कर रहा हूँ, और ये इनको सेलेक्ट करना है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन सेलेक्ट करके एक ओटीपी मिलेगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं ओटीपी का वेट कर रहा हूँ इनके मोबाइल पे, इनको जैसे ही मिलता है ये मुझे भेजेंगे। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट सपोज आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है जिस पे कि आपके आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना होता है, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट पे आपका IFSC कोड, MICR कोड और अकाउंट नंबर क्लियर है, तो आप जो है वो अटैच कर सकते हैं, फिर चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इनका OTP है 3279-78, ये मैं फिल करके यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ इसको। इसके बाद मांग रहा है इनका अकाउंट नंबर, तो मैंने वो भी नोट करके रखा है। देखो बेसिक डिटेल्स आएंगी फिल करने के लिए, बस आपको फिल करते जाना है। कंफर्म अकाउंट नंबर, तो मे बी ये पेस्ट हो जाए, हो गया है। इनका IFSC कोड भी मैंने नोट करके रखा है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नीचे से ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है, इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आपको। ये ग्रेजुएट है, मेल है, सिंगल है। ठीक है, ये फादर का नेम आ रहा है इनके का, तो यहाँ पे इनका सरनेम नहीं आ रहा है, तो मैं उसको फिल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है इनके फादर का नेम। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रही है तो आप उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद इनकी मदर का नेम मेरे को डालना है यहाँ पे, तो वो भी मैं यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डाल देता हूँ। मिडिल नेम इनकी मदर का कोई है नहीं है। उसके बाद देखेंगे नीचे यहाँ पे ये डिटेल, आपको क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। तो इनकी इनकम भरनी है इनको। ठीक है, इनकी इनकम है 1 से 5 लाख, नेट वर्थ है मान लो इनका 25 लाख, या कुछ भी भर सकते हैं आप। ठीक है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे, बट 100 रुपीज़ या 5 रुपीज़ मत भर देना, क्योंकि इतना तो किसी के पास भी नहीं होता है। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इनको कुछ भी आप भर सकते हैं। ठीक है, मैं भर देता हूँ 1 to 2 ईयर। ये पूछ रहा है आर यू अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। आर यू ऑल्सो पेइंग टैक्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप किसी बाहर कंट्री में भी रहते हैं जहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो है ऑलरेडी। यहाँ पे प्रिफ्रेंसेज में जाना है। ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉनिक पे चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह चाहिए, क्योंकि फिजिकल कोई भी कंपनी आजकल वैसे नहीं भेजती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अकाउंट स्टेटमेंट आप डेली चाहते हैं डेली आ सकती है, बेटर है वीकली मंगाएं। ठीक है, स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नोट में अंतर है। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको डेली मिलेगा, और अकाउंट स्टेटमेंट जो भी आप एक हफ्ते में ट्रेड कर रहे हैं वो आपको वीकली मिल जाएगा। नॉमिनेशन डिटेल अगर आप यस करेंगे तो आपको एक ये डाउनलोड लिंक पे ले जाएगा, वो आपको भर के हाथ से स्कैन करके इनको भेजना पड़ेगा इनके सपोर्ट के मेल आईडी पे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं नो कर देता हूँ, वो बाद में भर के भी मैं भेज सकता हूँ। कन्फर्म डिटेल करके कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक आई थिंक मैं कुछ यहाँ पे छोड़ दिया है क्या? एक बार मैं यस करके भी देख लेता हूँ। यस किया तो देखो वही खुल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। अब मैं यहाँ पे इसको नो ही करता हूँ। कुछ छूटा है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं कुछ छूटा है। फाइनेंशियल डिटेल, ओ सॉरी, ऑक्यूपेशन मैंने छोड़ दिया, ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, इस वजह से वो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा, हो गया। उसके बाद इनको केवल
खोलना है MCX में अकाउंट, ठीक है। तो मैं इनको ये केवल एम से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप जिसमें भी चाहते हैं खोलना उसमें खोल सकते हैं। उसके बाद डीमेट प्रोफाइल, ये होता है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, नॉट ऑप्टेड करके आगे बढ़ जाइए। MCX मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पेमेंट करूँगा यहाँ पे थ्रू नेट बैंकिंग। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे हाइड कर दूंगा ताकि आप कोई इसका मिस यूज ना कर पाए। ये यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है इनका OTP और जो भी पासवर्ड वगैरह डाल के, तो अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई है पेमेंट की। जैसे ही पेमेंट का कंफर्मेशन आता है तो आगे आई थिंक अब मेरे हिसाब से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला पेज खुद ब खुद खुल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे से खुद से प्रोसीड हो गया है। तो यहाँ पे फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो, इन द सेंस आपको पासपोर्ट का फ़ोटो नहीं डालना है, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे ये मैंने प्रशांत जी के नाम से फोल्डर बनाया है, इसमें इनका ये फ़ोटो है, मैंने ओपन कर लिया। इस तरह से फ़ोटो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ID प्रूफ में मैं इनका पैन कार्ड लगा देता हूँ। और ध्यान रखिए फाइल ज़्यादा बड़ी ना हो, जैसे डायरेक्ट कैमरा से खींच के उसको अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा उसको उसकी क्वालिटी कम कर लेंगे तो वो आराम से जल्दी अटैच हो जाएगी। IPV में मेरे को ये लगा देना है इनका डॉक्यूमेंट, और उसके बाद में आधार में मैं इनका आधार कार्ड अटैच कर दूंगा। ये मैंने देखिए इस तरह से मैंने ले रखा है ये इनके आधार का। और देखेंगे यहाँ पे JPG फाइल लग सकती है, PNG लग सकती है, यानी आप वही फ़ोटो लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी। तो अगर बेटर है कि अगर आपका आधार कार्ड मान लीजिए आपके पास है एज अ PDF, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जैसे देखिए एक ये होता है स्निपिंग टूल, ठीक है। आप इसकी हेल्प से आप इजीली किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ काट के उसको JPG में PNG में ले सकते हैं। और उसके बाद में आधार सेलेक्टेड है ऑलरेडी, और इनका एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में ये लगाएंगे UID, वही आधार कार्ड लगाएंगे। तो ये लगा दिया, मान लो फ्रंट का आधार कार्ड और बैक का, मैंने एक ही बार में दोनों लगा दिए हैं। बट मैं दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ लगा देता हूँ, क्या पता मेरे को ये यहाँ से प्रोसीड न करने दें या बोले कि यहाँ अटैच करिए, तो वो काम मैं पहले ही कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे को चेक लगाना है किस फॉर्मेट में, केवल देखिए चेक के लिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। बट सपोज अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है जिसपे कि IFSC कोड MICR कोड अटैच्ड हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे फिर? तो आप यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए मेरे पास है इनकी बैंक स्टेटमेंट, ये गया फोल्डर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं एक JPG में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा आप देखिए, वो उसको मैं गया इस टूल पे, मे भी बहुत से लोग जानते हों, ठीक है, ज़्यादा परेशानी आपको ना हो इसलिए मैं ये करके दिखा देता हूँ। तो इस वाले पेज का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके लगा देता हूँ, क्योंकि इनके पास चेक नहीं है इस वजह से मैं कर रहा हूँ ये। अगर मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं करूँगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। और ये अभी डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, तो मुझे डेस्कटॉप से ही अटैच करना होगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ बैंक स्टेटमेंट को। ओके, तो मेरे यहाँ पे क्या लगाना है, आप इसको नॉन पर्सनलाइज, पर्सनलाइज का मतलब है वो आपका उस पर नाम वगैरह सब कुछ है। नॉन पर्सनलाइज का मतलब जैसे आपको किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो आपको ऐसे ही पकड़ा जाते हैं, तुरंत ही आपको चेक दे जाते हैं, बाद में एक्टिवेट होते हैं वो। तो अभी मेरे को डेस्कटॉप पे जाके मेरे को इनका लगाना है, चेक PG। ओके, प्रशांत जी इनका नाम है। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे मेरे को लगाना है सिग्नेचर। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं मिला गया हमें,
देखिए फोटो आईडी आईपीवी, ठीक है, आप पैन कार्ड के साथ भी लेके लगा सकते हैं, आईपीवी, अटैच इमेज, आधार, एड्रेस टाइप, एड्रेस प्रूफ, चेक टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर के लिए, बैंक स्टेटमेंट के लिए भी ऑप्शन में भी आगे मिले हमें, तो इनका सिग्नेचर लगाता हूँ मैं, ये इनका सिग्नेचर है, ये भी लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ से आगे प्रोसीड करता हूँ। तो मे बी कोई प्रॉब्लम की वजह से वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे इनका करूँगा साइन इन ऑप्लीकेशन। तो मैं बाद में भी बैंक स्टेटमेंट इनको भेज सकता हूँ जब इनकी तरफ से मेरे पास कोई कॉल आता है। तो वैसे वो ऑप्शन होना चाहिए, मे बी किसी वजह से वहाँ पे कुछ अपडेट कर रहे हो या कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, और यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आप अपने फॉर्म को डिजिटली साइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि देखिए हो जाए तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ जाने के बाद आपको एक आधार नंबर भरना पड़ेगा और उसके बाद हो जाएगा आगे प्रोसीड। तो देखिए यहाँ से ये आगे बढ़ चुका है। उसके बाद मेरे को इनका डालना है आधार नंबर, वर्चुअल आईडी भी मांग रहा है, वो क्या होता है लोगों को पता होगा, लेकिन हमारे पास आधार नंबर है, इजीली अवेलेबल है, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं खपाएंगे वर्चुअल आईडी के लिए। यहाँ पे डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे और ओटीपी का वेट करेंगे। अब ओटीपी देखिए आने में टाइम लग सकता है, कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट तुरंत भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल के नेटवर्क के ऊपर, उसकी सर्विस कैसी है आपके एरिया में। मान लो आपके नेटवर्क थोड़े कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। तो आई होप ओटीपी मेरे को मिल गया है, 7596 20। उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा इस फॉर्म को। अभी ध्यान रखिए बैंक स्टेटमेंट के लिए वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, बट मे बी कोई उनकी तरफ से अपडेट है। उसके बाद मेरे को करना है डाउनलोड एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है ये। तो इसके बाद जो लास्ट पेज है, जैसे 6 पे, ये उनका ऑफिशियल जो भी रहेगा, ठीक है, वो इसको वेरीफाई करके आगे के डिटेल्स यहाँ से प्रोसेस करेगा। तो उसमें आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, आपका फॉर्म प्रोसेस हो गया है, आपको आपकी क्लाइंट आईडी और आपका जो फॉर्म है जो आपने फिल किया ऑनलाइन, वो आपको आपके मेल पे मिल गया होगा। तो आप अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है उनके कॉल के आने का, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा कि बैंक स्टेटमेंट के लिए वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था फिलहाल के लिए, तो वो बैंक स्टेटमेंट भी हमें इनको भेजनी पड़ेगी बाया जैसे भी ये मांगते हैं, ठीक है, जैसे इन द सेंस मेल पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये यहीं तक था। अब आपको करना क्या है, ग्रुप के लिंक्स जो है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, फ्री में मैं आपको वहाँ पे कॉल प्रोवाइड करूँगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और कोई क्वेरी है आपकी तो मैं अपना नंबर भी छोड़ूंगा अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग, वहाँ पे भी आप कॉल करके असिस्ट पा सकते हैं।